हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप? से स्वागत है आप सभी का रवि बाल ब्लॉग्स में। तो चलिए जी, आपको आज थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आज ब्लॉग भी नहीं आया और टाइम अभी 3:30 बज चुके हैं। दिन है आज मंगलवार का। तो जी, मम्मी की जो है तबीयत कल रात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और एक तो आपको वीडियो नहीं डाल मतलब कि एक तो वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मन ही नहीं किया देखो। और थोड़ा सा अपडेट इसके दे रहे कि भाई चलो बता दे सभी सब्सक्राइबर, फिर बोल रहे हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, हमें अपडेट तो दे देते ही सब चीज़ें। तो मम्मी की रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि इतनी ख़राब हो गई थी कि आँख खुली की खुली रह गई और मुँह में से ऐसे ही लार से निकल रही बहुत ज़्यादा, और पैर ठंडे हो गए बिल्कुल। हम सभी रोने लगे थे एकदम से, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात के 12 बजे। और फिर लेके गए थे उन्हें हम 12:30 बजे तक, शामली पहुंच गए थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि गाड़ी जो है एकदम से मिल गई, जाते ही सार एकदम से लेके आ गए। बस 10 मिनट लगी गाड़ी को लेने जाने के लिए और वापसी आने के लिए, काफ़ी दूर है देखो, तो भगवान का शुक्र है। और जी, अभी जो मम्मी की तबीयत है सुधार है बहुत ज़्यादा अभी। और मतलब कि रात मम्मी का शुगर लेवल था जो एकदम से कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, खिंच खिंच के सांस आ रहे थे। मतलब कि इतनी परेशानी हो गई थी हमें बहुत ज़्यादा, हम सभी रोने लगे थे। अनिका के पापा भी और हम भी, बबली दीदी का भी फ़ोन आया, तभी पापा ने फ़ोन किया था। हम ऊपर लेटते हैं, पापा मम्मी नीचे लेटते हैं, तो पापा ने हमें फ़ोन किया कि भाई दिक्कत हो रही। फिर हम जब भी गए 12 बजे, पूरे 12 बजे रहे थे, तो फिर बबली दीदी अभी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वीडियो कॉल करके देखा कि मम्मी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर बबली दीदी भी रात के टाइम ही चल दी थी वहीं से 12 बजे से, और जब हमने फ़ोन किया जब भी चल रही थी, हम इधर से चल रहे थे, बबली दीदी उधर से आ गई थी, और वो भी दीदी और गांधी भैया भी आ गए थे, मतलब कि चारों जने आ गए थे, दीदी और भैया में। तो अभी बस जो है मम्मी की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। हम तो बोल रहे कि अगर डॉक्टर छुट्टी देने को बोल लगे ना कि आज आज शाम तक या कल तक छुट्टी मिल जाएगी, तो तुम 1 दिन या 2 दिन बाद लाना, क्योंकि जब तक मम्मी खुद से खड़ी ना हो जाए या खुद से मतलब कि अच्छी तरह बैठने न लगे, बातचीत ना करने लगे, तो तब तक आप छुट्टी ना दिलवा के लेके आइए। चाहे 4-5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करके रखना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी केयर ज़्यादा हो जाए, सभी डॉक्टर देखते रहें, दवाई वगैरह टाइम पे मिलती रहे, और जी कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत होगी एकदम से देख ले रहे हैं। तो जी, आप सबकी दुआ से और भगवान की कृपा से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सुधार है। और रात 12:30 बजे के बाद फिर मैं अकेली रही यहाँ से 1-1.5 घंटा। फिर मैंने ताऊजी के उधर फ़ोन किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, और मैंने ना फिर जब तभी रिचार्ज किया और उसके बाद फिर कॉल की, और जब फिर 1:30-2 बजे आई थी दीदी, और 12 बजे के बाद, और अकेली मेरे इतनी घबराहट हो रही, रोना ही रोना आ रहा था। फिर हमें पूरी रात हो गई सोई नहीं, ना सुबह ही सोई ना पूरा दिन हो गया। आज भी काम में लगे लगे पापा खाना लेके गए थे वहाँ पे शामली, और जी अभी आए हैं सुबह 10 बजे से चले गए थे पापा, तो मम्मी के पास बैठ के थोड़ी बहुत ही बातचीत करके आए हैं, और फिर अभी आगे, क्योंकि भाई घर भी अकेला देखो छोड़ नहीं जाता। और बस देखते हैं शाम तक छुट्टी मिलती है, अगर शाम तक छुट्टी मिली तो अनिका के पापा बोल रहे जो डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है घर चले जाओ फिर तो हम आ जाएंगे, और नहीं बोला कि थोड़ी दिक्कत है, तो हम सोच रहे कि और 1-2 दिन और भर्ती रख लेंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो चलिए जी, हमें आपको इतना छोटा सा अपडेट देना था, और आप सब दुआ कीजिए कि हमारी जो सासू माँ है, हमारी मम्मी है, जो जल्दी ठीक हो।